हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम समझेंगे क्लास 11 का सेट समूह एक्सरसाइज 1.4, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ये सब सारे का हम लोग थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं और एक एक्सरसाइज भी 1.4 का थ्योरी भी देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। तो 1.4 का थ्योरी क्या था ना, वो हम लोग ध्यान से समझो। क्या ना, ए था नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यदि ए और बी दो सेट है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, राइट। इसको फॉर्मूला को प्रूफ भी हम लोग किए थे। और इस चैप्टर के लिए थ्योरी क्या हो सकता है, इसी को हम लोग क्या ना बेन डायग्राम से भी समझे थे। जैसे एक पूरा जो ए आकृति है ना, इस आकृति को क्या समझते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसमें कोई सेट ए काट लिए थे और दूसरा सेट बी। ए वाला जो है ना सेट ए काट लिए और ए वाला जो काट लिए वो सेट बी काट लिए। और इसमें से बोला गया था ये होता है, ये बी होता है और ये सी मान लेते हैं। तो इसमें ए यूनियन बी, ध्यान देंगे केवल पीछे वाला रिपीट कर रहे हैं, केवल रिविजन करें जिससे हम लोग आज की क्लास इसको हम लोग अच्छे से समझ पाए, बस इसके लिए रिविजन कर रहे हैं। तो ए क्या ना, ए यूनियन बी करना, तो ए और बी दोनों को मिला देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और कहेगा सेट ए, तो सेट ए में एलिमेंट क्या है, ए बी। अब कहेगा ए इंटरसेक्शन बी बताओ, मतलब ए और बी दोनों में हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो बी है, ये लिख देते हैं। और हो गया सेट ए का एलिमेंट पूछे, तो सेट ए का एलिमेंट क्या है, ए बी है। और सेट बी का एलिमेंट पूछे, तो सेट बी का एलिमेंट पूछेगा तो क्या बताएंगे, बी और सी बताएंगे, ए हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और ए माइनस बी कहता है, मतलब ए हो बी नहीं हो, ए हो बी नहीं हो, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी माइनस में बी हो लेकिन ए नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से हम लोग थ्योरी समझ चुके थे, इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए। तो एरो डायग्राम से एक थ्योरी और हम लोग समझे थे, वो थ्योरी क्या समझे थे, जरा देखो कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी रहता है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, दो थ्योरी पढ़ना था क्या एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब पीछे लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को क्या ना समझ में आ जाएगा, कि थ्योरी इतना रिवीजन किए ये भी हम लोग को समझ में आ गया होगा। चलो देखो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी के एक समूह में कितना विद्यार्थी है, तो 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। तब विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, समूह के कुल कितने विद्यार्थी हैं, सो पूछ रहा है। तो इसको सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए सबसे आसान मेथड है क्या ना, वेन डायग्राम बना देना। क्या बना देना, वेन डायग्राम, इसको समझ लो यूनिवर्सल सेट। कई समूह कई तरीके का आदमी है, एक हिंदी है और दूसरा अंग्रेजी विद्यार्थी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी विद्यार्थी मान लो, और इतना दूर क्या है, अंग्रेजी विद्यार्थी, ये ले लिए। इसको मानना पड़ेगा ए बी और सी। अब पढ़ो, 100 विद्यार्थी हिंदी, तो हिंदी क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना, 100 विद्यार्थी, ए दिया हुआ। फिर करा 50 विद्यार्थी क्या, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी इसको समीकरण 50 विद्यार्थी बी प्लस सी, ये अंग्रेजी, तो बी प्लस में सी दे दिया कितना, 50, समीकरण सख्त मान। फिर कह रहा 25 विद्यार्थी दोनों भाषा को जानते हैं, बी जो है हिंदी भी जान रहा और अंग्रेजी भी जान रहा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 25। तब कह रहा कि विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है, मतलब इसमें हिंदी या तो अंग्रेजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। ए हिंदी भी जान रहा, बी हिंदी इंग्लिश दोनों जान रहा और सी अंग्रेजी जान रहा, तो एक कितने विद्यार्थी हैं जो या तो हिंदी जानते होंगे या इंग्लिश या दोनों भाषा जानते हैं। तो इसको हम लोगों को क्या निकालने का दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। तो हम लोग निकाल सकते हैं बी का मान इसमें रख दो समीकरण क्या में, सकेर में, तो बी का मान समीकरण फर्स्ट टर्म में रख देते, यहाँ पे बी का मान
समीकरण किस में रख दे, सकेंड में, सकेंड में, तो बी का मान सकेंड में रखेंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा 25, अब प्लस में सी बराबर 50, तो सी बराबर क्या आ गया 25। फिर बी का मान समीकरण किस में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में बी का मान फर्स्ट में रख दो, तो ए प्लस में 25 बराबर में 100, तो ए बराबर कितना आ गया 75। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान रख दो, ए का मान आ गया 75, 75 प्लस बी का मान, बी का मान कितना 25, 25, अब प्लस सी का मान, सी का भी मान कितना आया 25। अब इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ से 100, 125, तो कितने कुल विद्यार्थी हैं, तो 125 विद्यार्थी, समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 125 विद्यार्थी हैं जो हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 11। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी स्कैन कर लो, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है कि 200 व्यक्ति, क्या नाम, 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है, कितने व्यक्ति 200 व्यक्ति और चर्म रोग से पीड़ित है, इनमें से क्या नाम 120 व्यक्ति रसायन C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 तथा 30 व्यक्ति रसायन C1 एवं C2 दोनों से प्रभावित हुए हों। तो वैसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें जो रसायन C1 से प्रभावित हुए हो किंतु रसायन C2 से नहीं। तो इसको भी बनाना आसान होगा अगर हम लोग वेन डायग्राम बना ले, तब एक यूनिवर्सल सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट ले लिए और यहाँ से दो प्रकार के व्यक्ति पीड़ित हैं, एक C1 से दूसरा C2 रसायन से प्रभावित हैं। तो इसको मान लो ए बी और सी, मान ली, ध्यान से समझेंगे बहुत आसान है। अब यहाँ पे पढ़ो करा कि पीड़ित है, इनमें से 120 व्यक्ति रसायन C1 से, तो 200 व्यक्ति चर्म रोग से ना पीड़ित है, 200 व्यक्ति मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इस यूनिवर्सल सेट में कितने व्यक्ति हैं, तो 200 व्यक्ति हैं, राइट है 200 व्यक्ति, उसमें से 120 व्यक्ति C1 से पीड़ित है, C1 से, मतलब ए प्लस बी बराबर कितना 120, राइट है। फिर 50 व्यक्ति C2 से, तो 50 बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 50। फिर करा 30 व्यक्ति रसायन C1 एवं C2 से पीड़ित है, तो 30 व्यक्ति मतलब यहाँ पे ले लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना बी, बी जो है ना C1 से और C2 दोनों से प्रभावित है, कितना व्यक्ति 30 व्यक्ति हो गया। तो वैसे व्यक्ति की संख्या ज्ञात करो, रसायन C1 से प्रभावित हो मतलब C1 से प्रभावित हुए हो किंतु C2 से नहीं, मतलब C2 से नहीं, देखो ए इस C1 में ए है, ए से प्रभावित है लेकिन बी तो C2 से प्रभावित है ए से, तो इसका मतलब क्या करा ए फाट करने के लिए, राइट है। फिर करा रसायन C2 से प्रभावित हुए हो किंतु रसायन C1 से नहीं, तो C1 से नहीं, तो C1 से नहीं मतलब C2 से, तो इसमें क्या कर दिया C ज्ञात कीजिए। फिर करा रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए, C1 अथवा C2 मतलब यहाँ पे ए 200 हम लोग को कराना वाट करने के लिए, राइट, ए वाट करना है और ए पूरा यूनिवर्सल सेट में, ए पूरे दुनिया में, मतलब ऐसे कहा जा रहा है यूनिवर्सल सेट को क्या समझेंगे दुनिया, तो ए पूरी दुनिया में कितने ना 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से क्या है पीड़ित है, ए पूरा में 200 व्यक्ति पीड़ित है, उसमें से करा C1 अथवा C2 मतलब C1 अथवा C2 से प्रभावित है, C1 और इतना व्यक्ति है, C2 इतना व्यक्ति, तो प्रभावित व्यक्ति कितना होगा इतना ही होगा, तो वही करा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट करा है। तो इसको ज्ञात करना आसान है। अब बी का मान किस में रख दो, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, तो फर्स्ट में रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा ए का, सेकेंड में रखेंगे तो किसका निकल जाएगा सी का, तो यहाँ चल जाए तो इसको लिख दीजिए बी का मान, बी का मान समीकरण किस में रखने को फर्स्ट में, ऐसे आप लोग खुद बना सकते हैं और बन जाएगा इसमें बी का मान फर्स्ट में रख दो, तो ए प्लस में 30 बराबर 120, तो ए बराबर कितना आ गया 90। फिर बी का मान बोल दो, बी का मान समीकरण किस में रखने पर, सकेर में रखने पर, सकेर में रख दो यहाँ पे, तो क्या ना बी का मान 30 प्लस में सी बराबर 50, तो सी बराबर कितना आ गया 20, सी का मान निकल लो, ए दोनों तो निकल गया, ऐसे आंसर हो गया। अब करा हम लोग को ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान कितना आ चुका है, ए का मान 90, बी का मान कितना आ चुका है, बी का मान आ चुका है, बी का मान दिया हुआ 30,
और सी का मान क्या दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ अभी अभी हम लोग निकाले 20। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 5 13, तो 130। 130 व्यक्ति जो होंगे और यहाँ पे क्या ना 5 और यहाँ पे 14 हो जाएगा, हाँ 14, 140 व्यक्ति, 140 व्यक्ति क्या होंगे, पीड़ित होंगे क्या ना, रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए होंगे। तो ए C1 से प्रभावित हुए, C2 से नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए 90 और C2 से प्रभावित हुए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको जल्दी से नोट करो फिर समझते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे इस 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या ना, यहाँ भी इसको भी जब भी कोई भी क्वेश्चन अब बनाओ तो क्या ना, वेन डायग्राम से बना लो, ए लो ए यूनिवर्सल सेट बना लो। अब क्या करा है कि 35 विद्यार्थी की एक कक्षा, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 35 विद्यार्थी है, उसमें क्या ना 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना, तो यहाँ पे ना क्या ना छोटा सा पार्ट काट लो, ए पार्ट को समझ लो क्रिकेटर है, क्या क्रिकेटर है, दूसरा क्या खेलना पसंद करते, फुटबॉल, एफ से ले लो ए फुटबॉल, और ए बी और सी, तो 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते, मतलब ए प्लस बी इजकल टू 24। फिर क्या करा, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते, तो फुटबॉल मतलब बी प्लस में सी, बी प्लस में सी कितना 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते। फिर क्या करते हैं कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है, एक विद्यार्थी क्या ना अवश्य खेलना पसंद करता है, जिसमें विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हो। तो इसमें दो क्वेश्चन कर दिया ना कि एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता हो, मतलब एक खेल, तो यहाँ पे कर दिया ए बराबर वाट, बी बराबर वाट और ना सी बराबर बी वाट, एक तीनों कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, जब इसमें कितने विद्यार्थी हैं, तो 35 विद्यार्थी, देखो ना 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में, एक कक्षा है और उसमें क्या ना 35 विद्यार्थी हैं, उसमें क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं और ए दिया हुआ, तब करा इसमें कि कम से कम एक प्रत्येक कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करे, तो एक खेल अवश्य खेलना पसंद करे, एक का दिया हम लोग को ज्ञात करने के लिए, तो ए ना हम लोग वाट कह लेंगे, आप लोग याद कह लो क्या ना बी प्लस, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, राइट है, अगर समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रख दे, सॉरी फर्स्ट सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दे, ए बी का मान क्या निकल जाएगा सी, या सी का मान इसमें रख दो किसका निकल जाएगा बी, और हम लोग को सभी का मान निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद से बना लेंगे, समीकरण फाइंड हो गए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको जल्दी से नोट करो फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या ना, एक समूह में प्रत्येक सदस्य हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं, कम से कम एक भाषा अवश्य जानते हैं, तो हिंदी और उर्दू भाषाओं में कम से कम एक भाषा अवश्य जानते हैं, तो इसको भी सॉल्यूशन करने के लिए क्या बनाओ, वेन डायग्राम और एक यूनिवर्सल सेट, यहाँ से दो सेट काट लो और एक क्या ना हिंदी और दूसरा उर्दू, उर्दू ए हो गया। अब 100 इसको मान लो ए बी और सी, क्या करा 100 सदस्य हिंदी जानते हैं, मतलब ए प्लस बी बराबर कितना 100, समीकरण फर्स्ट मान लो। फिर क्या करा और सदस्य हिंदी जानते हैं, फिर 50 उर्दू जानते हैं, 50 उर्दू मतलब बी प्लस सी बराबर 50 ए। फिर करा इनमें से 25 हिंदी तथा उर्दू दोनों जानते हैं, मतलब बी जो है दोनों भाषा जानता है कितना, तो 25। फिर करा इनमें से जानते थे समूह कितने सदस्य थे, इसमें कितना सदस्य है जो हिंदी और उर्दू दोनों जानता है, या तो हिंदी जानता हो या उर्दू जानता हो, तो ए प्लस हम लोग को वाट करा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट, ए करा ज्ञात करने के लिए, इसको समीकरण सेकेंड मानो, इसको समीकरण थर्ड, और ए बी का मान इसमें रखेंगे सी का आ जाएगा, फिर बी का मान इसमें रखेंगे ए आ जाएगा, और ए बी सी निकाल कर इसमें रख दो और वही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 बना लेंगे, और अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट करो फिर देखते 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में, यहाँ पे क्या ना ए यूनिवर्सल सेट लो, ए क्या है ना एक विद्यालय, उसको मान लो यूनिवर्सल सेट,
ए विद्यालय क्या है यूनिवर्सल सीट, उसमें से कितना गलत, 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, मतलब 600 विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या कितना 600 है, उसके सर्वेक्षण में मतलब एक यूनिवर्सल सीट में विद्यालय में क्या ना सर्वेक्षण किया जा रहा है, में पाया गया कि 150 विद्यार्थी चाय और 250 विद्यार्थी कॉफी, मतलब यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, एक एक चाय टी पी रहे हैं, दूसरा कॉफी पी रहे हैं, क्या ना कॉफी पी रहे हैं, उसमें ना 150 विद्यार्थी चाय, तो ए प्लस बी और सी मान लो यहाँ पे, तो ए 50 विद्यार्थी, ए प्लस बी बराबर कितना 150 विद्यार्थी जो चाय को पसंद कर रहे हैं, फिर 250 विद्यार्थी कॉफी को, मतलब बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर 225, ए हो गया, ए लिख दे। अब देखो आगे रीडिंग करो, आगे क्या कर रहे हैं, तथा 100 विद्यार्थी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, मतलब बी 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 जो है चाय और कॉफी दोनों पसंद करते, कितने विद्यार्थी हैं, तो 100 विद्यार्थी हैं, तब कह रहा है विद्यार्थी कॉफी दोनों पीते हैं, कितने विद्यार्थी ना तो चाय और ना ही कॉफी पीते हैं, सो पूछ रहा है, तो हम लोग को क्या ना ज्ञात करना पड़ेगा कितने विद्यार्थी हैं जो चाय कॉफी दोनों पीते हैं, तो ए भाग ए करने के बाद क्या ना हम लोग को अब बी का मान इसमें रख दो, तो बी का मान इसमें रखेंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 125, राइट है, फिर बी का मान इसमें रख दो तो ए का मान कितना आ गया 50, ए आ गया, अब इसमें रख दो तो ए प्लस बी प्लस सी, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, सो निकाल लो चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो चाय या कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी की संख्या लिख सकते चाय या कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो चाय और कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो क्या हो जाना ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए का मान क्या आया 50, बी का मान क्या है, बी का मान दिया हुआ 100, तो बी का मान रख दो 100 प्लस सी, सी का मान 125, अब इसको जोड़ लीजिए, राइट है, क्या कह लो जोड़ लो, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 225 और प्लस 50, तो क्या आ जाएगा 275 विद्यार्थी की संख्या है जो क्या ना कि चाय या कॉफी दोनों पीते हैं, अब चाय या कॉफी नहीं पीने वाले की विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिख लेते और यहाँ स्पेस नहीं है, इसको लिख ले यहाँ पे चाय या कॉफी, यहाँ पे लिख लो चाय ना तो चाय और ना ही कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसको यहाँ पे ए लिख देंगे विद्यार्थी और ना तो चाय और ना ही कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा चाय या कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या और क्या हो जाएगा ना विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या और माइनस में चाय कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक घटा लो, एक घटाएंगे तो 5 आ गया, 9 में 2 और यहाँ पे 5 में 2 3, 325 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो कॉफ़ी पियेंगे ना ही चाय पियेंगे, इस तरीके से हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसको जल्दी से नोट करो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना, 16 को बनाना है, तो भी क्या ना वेन डायग्राम, सभी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ही बनाओ, ए यूनिवर्सल सेट करा, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों में कितना विद्यार्थी, 35 विद्यार्थी जिसमें 17 गणित लिए हैं, तो एक क्या ना यहाँ पे ए यूनिवर्सल सेट में दो सेट बना लो, ए मैथ लिया, दूसरा क्या ना भौतिक लिया, फिजिक्स लिया, उसमें ना ए ए बी सी इतना तो सब में करना पड़ेगा, करा 17 विद्यार्थी लिए हैं क्या गणित लिए, 17 विद्यार्थी मतलब ए प्लस में बी बराबर 17, आगे पढ़ो, फिर कराना 10 गणित लेकिन भौतिक नहीं लिए हैं, मतलब ए बराबर क्या दे दिया, 10 विद्यार्थी ऐसे हैं गणित लिया है लेकिन भौतिक नहीं लिया, तो इसमें क्या होगा ए बराबर दे दिया 10, फिर करा विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, विद्यार्थियों की क्या करा संख्या ज्ञात कीजिए जो विद्यार्थी जो गणित तथा भौतिक दोनों लिए हैं लो, तो ए बी करा ज्ञात करने के लिए, बी ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ और
फिजिक्स दोनों लिए हैं, तो बी बराबर कर रहा है फाइव। और क्या पढ़ो क्वेश्चन कर रहा है, वैसे विद्यार्थी की संख्या जो भौतिक लिए हैं, भौतिक लिए हैं लेकिन गणित नहीं, मतलब इसमें कर दिया सी बराबर फाइव। प्रत्येक विद्यार्थी या तो गणित या भौतिक या दोनों लिए हैं, सो करा मतलब यहाँ पे कितने विद्यार्थी, तो 35 विद्यार्थी है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने 35 विद्यार्थी है सो। तो अब देखो क्या करो ना कि ए का मान इसमें रख दो, तो किसका मान निकल जाएगा, बी का मान निकल जाएगा, तो बी का मान क्या आ जाएगा ना 7 आ जाएगा। और फिर ए बी का मान अलग कर देंगे तो इसमें तो क्या निकल जाएगा, सी का मान निकल जाएगा, जो आप लोग खुद से ज्ञात कह लेंगे ज्ञात हो जाएगा। ए हो गया 16। अब समझते क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 18 एक जैसा, आप डायरेक्ट समझो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग समझते। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 19 में क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे 19 ध्यान दो, 19 थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन है। एक क्या ना यूनिवर्सल सेट है, उसमें कह रहा है एक शहर है, एक क्या ना एक पूरा शहर बना ले, उस यूनिवर्सल सेट मान ले, इस शहर में कितना व्यक्ति है, 500 व्यक्ति है, कितने 5000 क्या ना आबादी है, कितनी आबादी है 5000 आबादी है, उसमें से 28 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते, मतलब यहाँ पे ले लो टाइम्स ऑफ इंडिया राइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया खाली लिखते ना इंडिया, और क्या ना यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस लिखते, ए लिख दे, तो 28 ए बी और सी, तो 2800 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 2800। इसलिए फिर क्या कराना 2300 इंडिया एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 2300 इंडिया एक्सप्रेस मतलब बी प्लस सी, तो बी प्लस सी बराबर क्या ना 2300। फिर करा इंडियन एक्सप्रेस और दोनों 400 दोनों पढ़ते, मतलब इंडियन एक्सप्रेस भी और इंडियन और टाइम्स ऑफ इंडिया भी, मतलब बी बराबर कितना 400। फिर करा कितने कोई भी नहीं पढ़ते हैं लोग, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स ऑफ एक्सप्रेस कितने लोग पढ़ते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाँच, ए कह लो, और कुल आबादी में इसकी संख्या को क्या कर देंगे घटा देंगे, जो आएगा रिजल्ट वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी निकाल लो, तो बी का मान इसमें रख देंगे, तो सी का मान, और सी का मान क्या आ जाएगा ना, सी का मान इसमें आ जाएगा, अब घटाएंगे तो 1900 और 1900 आ जाएगा। फिर बी का मान इसमें रख देंगे, ए का मान क्या आ जाएगा ना 2400, ये आ गया। अब निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान क्या ना, ए का मान 2400 और प्लस बी का मान 400 और प्लस सी का मान क्या ना 1900। अब जोड़ लीजिए इसको, 0 0 0 तो 2 0, फिर 9 9 4 13 13 4 17 17, फिर 1 2 3 3 4 ए 47, ए 4700 व्यक्ति ऐसे हैं जो इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडिया एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने वाले की संख्या में क्या ना ये 5000 में क्या ना ए 4700 घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा 300 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका कोई भी पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 से तीन सेट की बात किया है, सेट ए सेट बी और सेट सी का, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, सुविधा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।